वो गांव वाला है ना, जी मैंने जी इसीलिए जी बुलाया है ना नहीं कि आना फलाने। है उसी जगह। ओके 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 सुहागा नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई साहब हम लोग अभी जा रहे हैं एक मास्क मेकिंग सेंटर जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत मशहूर है, और स्पेशली वो इंडिया में एक असम के अंदर एक आइलैंड है, माजुली आइलैंड। और तो हम चलते हैं भाई, आपको दिखाते हैं कि इस जगह पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो गाइस हम लोग आ गए थे अभी मास्क मेकिंग सेंटर जो कि वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस जगह पे आने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ा, और मैं आपको बताऊंगा कि इस जगह पे क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से तैयार किया जाता है, और इसको बनाने में कितना सारा मेहनत लगता है, और इसको कौन बनाता है। ये बैम्बो फ्रेम है। ओके। उसके बाद ये फ्रेम को हम लोग बाइंडिंग करते हैं केन से। अच्छा। और उसके बाद मिट्टी और कपड़ा लगाते हैं इसके ऊपर। okay. और जब सूखेगा ये अच्छा। ये सेकंड मिट्टी और कपड़ा, उसके बाद ये जब सूखेगा तब ये गोबर से सेहरा बनाते हैं, शेप देते हैं गोबर और मिट्टी मिला के। और उसके बाद जब सेहरा कंप्लीट होगा ये फिर से मिट्टी और कपड़ा लगाते हैं। अच्छा। ये सूखने के बाद पेंटिंग। okay. ये और पेंटिंग जो हम लोग प्लास्टिक पेन ऑयल पेन ऐसा करते हैं। okay. पहले नेचुरल कलर करते थे लेकिन आजकल सभी सामान नहीं मिलते हैं, इसलिए हम लोग ये यूज करते हैं। और जो बाल होता है ना, बाल लगाते हैं वो जूट से लगाते हैं। जूट से, जूट से। okay. तो मतलब ये जो मास्क मेकिंग सेंटर है ये मतलब कितने सालों से चला आ रहा है? ये हमारा ट्रेडिशन है। अच्छा। ये जब हमारा गुरु 500 years ago शंकरदेव था। अच्छा। उन्होंने ये शुरू किया था शंकरदेव। okay. उसी समय से अभी तक ये चल रहा है। तो जनाब अगर हम बात करें इस मास्क को, तो बनाने का जो पहला प्रोसेस है, पहले ऐसे ढांचा बनाया जाता है, और इसके बाद इस पे ये है सेकंड प्रोसेस, और इसके बाद फिर ये थर्ड प्रोसेस है, और इसके बाद थर्ड प्रोसेस के बाद ये वाला है फोर्थ प्रोसेस जो कि लास्ट में बिल्कुल किया जाता है। और किंग शक्तर सिंह जो सत्र एस्टेब्लिश किया था, एक पीर का नीचे जो पीर का नाम श्याम बोला है, जो बड़ा पीर वो नीचे ये सत्र एस्टेब्लिश किया था, वो नाम रखा है सामग्री सत्र। और सत्र का जो मेन कल्चर है मुखुड़ा बनाने के लिए, ये 500 साल आगे हमारा गुरु शंकरदेव का पहले मुखुड़ा बनाए, ये एक परंपरा चल रहा है। 2003 में हमारा पिताजी अवार्ड मिला, अवार्ड वर्ल्ड में फेमस हुआ है संगीत नाटक अकादमी। ये देखिए हमारा पिताजी, ये पिताजी का नाम कुशोकांत देव गोस्वामी, सत्र का जो लीडर था, सत्राधिकार बोला है। okay. और ये अंकुल है नारायण चंद्र देव गोस्वामी, ये अलग का जो सत्र नतुन कुमले सत्र का लीडर था, सत्राधिकार है। अंकुल मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड, शंकरदेव अवार्ड, डॉक्टरेट डिग्री मिला है दिल्ली चंद। और हमारा पिताजी जो अवार्ड है ना, ये देखिए ताम्रपत्र, ये ताम्रपत्र वो अब्दुल कलाम जी को साथ दिया था, वो सोनवाल मान सिंह जी प्रेसिडेंट, एक वाजपेयी को प्रेजेंट दिया था पिताजी रावण जी। और ये प्रणव बड़ुआ आर्ट अवार्ड है, प्रणव प्रणव बड़ुआ आर्ट अवार्ड, आसाम का जो नौगांव डिस्ट्रिक्ट से एक नाम पूरा रखा है प्रणव बड़ुआ अवार्ड। भाई सामग्री सत्र बोला है नाम सामग्री 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 सत्र एस्टेब्लिश हुआ था 1663 और किंग शक्तर सिंह जो सत्र एस्टेब्लिश किया था, ये 500 साल आगे हमारा गुरु शंकरदेव का पहले मुखुड़ा बनाया, ये परंपरा चल रहा है। हमारा पिताजी 2003 में अवार्ड मिला, अवार्ड वर्ल्ड में फेमस हुआ है, आगे ऐसा म्यूजियम का नहीं है। पिताजी को जो अवार्ड आया देश विदेश से सभी लोग आया मास्क देखने, हम नहीं बने 2003 में, हम पिताजी जो अवार्ड आया तो हमारा म्यूजियम घर बनाया, हम तो बने, हमारा पिताजी सलाह गया 2003 में। और हमारा मुकुटा कैसा बनाया देखाएंगे, ऐसा आइए सर। गोबर से, गोबर के ऊपर फिर कपड़ा लगे, लास्ट पेंटिंग। और ये मुकुटा हमारा थ्री स्टेज का बने, वो ये देखिए, ये भगवान का विष्णु रूप नरसिंह होता है, बड़ा मुखुटा बोला है, वो ये कुंभकर्ण बनाया, ये बड़ा मुखुटा बोला है। और ये मीडियम साइज ये लुप्तकाय मुखा बोला है, लुप्तकाय मीडियम साइज। और ये फेस मुखुटा, ये जो फेस मुखुटा हमारा जो ड्रामा है ना, जो पिंक करके सीताहन बालिब रावण पर दर्शक होगा श्री कृष्ण ईसा जी।
ये सभी हमारा सब ड्रामा के लिए बुला है। तो ये जो रासलीला होता है श्री कृष्ण का, उसका है ये तो? कृष्ण मार दिया था ये मार। जी 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 उस, क्या बोलते हैं इसको, शेषनाग घासुर अघासुर जी जी अघासुर बकासुर पुतना चक्रवात धेनुकासुर जी सब जी जी को जो बोला कृष्ण मारने के लिए। हाँ हाँ अघासुर जब वो खेलते होते तब आता वहाँ पे। तो ये है भाई बकासुर। आपने देखा होगा कि जब श्री कृष्ण लीला चलता होता है तो कृष्ण भगवान को मारने के लिए आते हैं। कौन कौन सी क्या क्या नाम था? बकासुर पहले जो कृष्ण मारने के लिए जो अघासुर बकासुर पुतना चक्रवात धेनुकासुर पंखासुर पलम्बासुर सभी ऐसा जो। तो यहाँ पर सबका मुखौटा दिख रहा है, मुखौटा बनाया हम। क्या बात है, यहाँ काफी अच्छा है। हुआ क्या था, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक जगह था, हम लोगों ने वहाँ पे कैंपिंग करना स्टार्ट कर दिया तो उस जगह सेफ नहीं था। आई थिंक वहाँ पर बारिश का कुछ ज्यादा ही खतरा था। तो ये दादा मिले, बोले कि चलो भाई आप लोगों को। और ये सर है, सर आपका नाम? चिंटू भैया। चिंटू भैया, मेरा नाम आशीष जोशी। तो ये जनाब लोग मिले, बोले कि यार तुम लोग यहाँ पर कैंपिंग मत करो, एक काम करो तुम लोग चलो हमारे साथ, यहाँ पर एक स्कूल है और उस जगह पे आप कैंपिंग अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ भूख लगी है और रात को ये मिला खाने के लिए, तो ये खाएंगे और सोएंगे। अंदर में सो जाए हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर कंफर्टेबल फील लेवल जो है। आज ऐसा लग रहा था कि अपन भूखे पेट सोने वाले हैं, बट ऐसा नहीं, बंद खाने वाले थे हम लोग। मैं तो भूखे पेट मैं तो इसे मैं पहले माजुली में जो राख का फेस्टिवल होता है ना, उसी में मेरे घर में हुआ है। तो आसाम का मोरीगांव जी जी, और एक सैफ करीमगंज था उसका घर, उन दोनों मिल गया रात को रास्ते में। मैं घर पे ले जाके उन लोगों को मैंने हॉस्पिटल गया। अरे सर क्या बात है, ग्रेट। तो भाई साहब जैसे कि जी जी, तो जैसे कि आप लोग आप देख रहे हो अभी रात का टाइम है और हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, और इस खाने के पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। तो इस कहानी को मैं थोड़े से देर बाद समझाता हूँ, और बाकी इन जनाब से मिले, इन्होंने हमारे लिए भाई साहब खाना फूड लेके आए यार। थैंक यू सो मच जनाब, थैंक यू सो मच। मैं आपके वहाँ जाऊंगा, आप मुझे भी। अरे सर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, कभी भी। तो भाई साहब गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? हमारी हो गई है उस रात की सुबह जिस रात में हंगामा हुआ था। तो भाई रात की मैं बात बता दूं आपको, तो इस जगह पे एक स्कूल है और इस जगह पे हम लोगों ने कैंपिंग किया हुआ था। रात में पूरी रात बारिश हुई, बारिश से पहले एक छोटा सा भसड़ भी हो गया। हुआ ऐसा कि हम लोग यहाँ पर कैंप लगा रखे थे, मतलब हमने भाई साहब से पूछा भी था तो उन्होंने बोला कि आप रोड पे कैंप ना लगा के आप इधर कैंप लगा लो, क्योंकि शाम के 6:30 बज गया था, अंधेरा हो गया था, तो किसी से पूछने का मौका नहीं मिला। तो हुआ ऐसा कि हम लोगों ने इस जगह पे कैंप लगा लिया, और इसके बाद गांव के कुछ लोग आए, मतलब कि विलेज डेवलपमेंट पार्टी है कुछ, विलेज डेवलपमेंट पार्टी है, तो वो लोग आए। तो उन्होंने हमसे बात करने के मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया कम तकरीबन 1.5-2 घंटे। एक तो लैंग्वेज बैरियर था, तो उन लोगों ने साथ के साथ पुलिस को कॉल कर लिया, तो पुलिस आ गई, और फिर इसके बाद उनसे हम लोग बात करना स्टार्ट कर दिए। फिर तकरीबन 1-1.5 घंटा बात करने के बाद मतलब उनको समझ में आया, जैसे ही उनको मतलब उनके हेड से बात करना, एसपी से बात करा, तो उन्होंने बोल दिया कि मतलब उनको समझ में आया कि हम लोग बता दें कि यार हम लोग यूट्यूबर हैं और पूरा माजुली को कवर कर रहे हैं अभी। तो वो बोले कि अरे क्या बात है, गुड लक। फिर वो मतलब ऐसा बोल के वो बोले कि चलो ठीक है, आप आधार कार्ड दे दो और आप लोग स्टे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उन लोगों को बुरा इस बात का लग रहा था कि हम लोग यहाँ पर कैंप कर रहे थे, वो हमें बोल भी रहे थे, मतलब बहुत सारे भाई लोग थे यहाँ पे, गांव वाले सब थे। वो बोले कि यार एक काम करो, आप लोग हमारे घर ही चल लो या फिर हमारे साथ चल लो। तो हम लोगों ने बोला कि ये वाला जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग नोमाड लाइफ जीते हैं, तो अपनी नोमाड लाइफ को दिखाते भी हैं, तो हमें यहीं सही है। तो मतलब उन लोगों को इस बात को बुरा लग रहा था कि हम लोग यहाँ पर बाहर स्टे कर रहे हैं, तो उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी यार कन्वर्सेशन होने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, रात में हम लोगों ने यहाँ पे कैंप कर ली। इसके बाद दिक्कत आई खाने की, मतलब दुख ख़त्म नहीं हो रहा है। फिर क्या हुआ कि हम लोग गए वहाँ पे खाना लाने के लिए, तो बारिश हो रही थी, जैसे हम लोग आए यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश स्टार्ट के बाद जब हम खाना लाने गए तो वहाँ पे सारी दुकानें बंद हो गई। हाँ बड़ी दुकान, बड़ी प्रॉब्लम हुआ भाई साहब खाने, मतलब होटल तो नहीं मिला एक भी। तो फिर हम वापस आके बन लेके आए, बन लाए, मतलब कि हम रात में कैसे भी गुजारा करके सुबह निकल जाएंगे। तब तक इधर आए तो सारे इधर लोग आ रखे थे,
फिर एक जनाब थे बिंटू भैया, तो मैं उनको मिलाता हूँ। अभी सुबह सुबह भी वो आए हैं हमारे पास। तो ये हैं भाई साहब। भैया हाय बोलिए इधर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये भाई साहब हैं, रात में इन्होंने बोला कि अरे यार आप लोग ऐसे भूखे नहीं सोओगे यार, मैं आप लोगों के लिए खाना लेके आता हूँ। तो मतलब देख रहे हैं, मतलब इतनी दूर भी एक हॉस्पिटैलिटी हमें मिल गई एक तरह से। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद भाई साहब खाना वाना खुद बना के लाए। मतलब काइंड हार्ट यार, मतलब इतने प्यारे लोग हैं यहाँ के। और रात में हम खा के सो गए, और सुबह सुबह भाई साहब ने फिर हमारे लिए चाय बना के लाए। मतलब देख रहे हो इतना तगड़ा, मतलब इतना बढ़िया एक्सपीरियंस, वाइल्ड एक्सपीरियंस कह सकते हैं। तो अभी तक का ये सबसे वाइल्ड एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मैं इतना सारा जर्नी कर चुका हूँ और मुझे ऐसा कभी किसी जगह पे फेस करने को नहीं मिला। तो ये भी बहुत ज़रूरी था। और लौकी बाबा पहले दिन आए थे, तो उनका पहले दिन का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ, जिसके बाद फिर मैं क्लोज कर दूंगा। लौकी बाबा तो कैसा लगा फर्स्ट डे? पहला दिन तो एकदम एडवेंचर होगा, जैसा भाई आपको बताया, जितना भी डिटेल यहाँ बताया वो सारी चीज़ें हुई। और यहाँ का हॉस्पिटैलिटी उतनी बढ़ रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा था। और जो भैया हमारे लिए खाना लेके आया, मॉर्निंग में चाय भी लेके आ गए, और अभी तक हमारे साथ में है, अभी तक हमारे साथ में बहुत सारी बातें हैं यहाँ की, बहुत अच्छी लगी। तो असम बहुत ही खूबसूरत है, और जिस जगह में हम लोग हैं एशिया का, मतलब कि एशिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, और इस जगह माजुली जो है ना, माजुली के लोग इतने प्यारे हैं ना भाई साहब, एक बार आप लोग यहाँ पर विजिट करो आपको खुद ही पता लग जाएगा। मतलब अगर आप सिंगल सोलो कर रहे हो ना ट्रैवलिंग, मुझे लगता है कि आपको कहीं होटल होम स्टे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे लोग हैं। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देना था, अगर किसी भी माजुली में, अगर असम के अगर इस साइड में आते हो आप, रिवर आइलैंड की तरफ आते हो, माजुली में आते हो, तो आप लोग पहले अगर किसी गांव में स्टे करना है, तो वहां पर आप लोग VPD पार्टी है, मतलब विलेज डेवलपमेंट पार्टी है, तो उससे आप लोग बात कर लीजिए, कॉन्टेक्ट कर लीजिए, वो आपको स्पेशली रहने का जगह अरेंज करके दे देंगे। तो ठीक है गाइस, अब चलते हैं, और अनुराग चिल्ला रहा है। तो ठीक है गाइस, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आप रखिए अपना ख्याल।